हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबी लॉ। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट केसेस इन ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट। जैसे कि पंजाब ईडी का एग्जाम आ रहा है, पंजाब डीडी का एग्जाम आ रहा है एंड मेनी अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल योर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। दिस केस इज रिलेटेड टू भूबोनी साहू वर्सेज एम्परर, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1949। ये जो केस है 133 सेक्शन रेड विद सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी से रिलेटेड है, क्योंकि 133 सेक्शन ये कहता है कि अकॉम्प्लिस की टेस्टिमनी पे रिलाई किया जा सकता है अनकोरोबरेटेड टेस्टिमनी पे, पर 114 जो है सेक्शन वो ये कहता है कि रिलाई नहीं करना चाहिए एक अकॉम्प्लिस के एविडेंस के ऊपर, ठीक है, अनलेस कोरोबरेटेड। सो ये जो है कोर्ट ने इसमें कंबाइंड इफेक्ट जो है वो इसका एनालाइज किया था। सो कोर्ट सेड दैट कि कंबाइंड रीडिंग अगर हम दोनों सेक्शंस की करें, वो ये कहती है कि इलीगल नहीं है कि आप अनकॉर्पोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस पे जो है आप रिलाई नहीं कर सकते हो। दिस इज अ रूल ऑफ प्रूडेंस। ये रूल ऑफ प्रूडेंस है कि यूनिवर्सली फॉलो की जाती है कि अनसेफ है एकम्प्लिस के ऊपर की विटनेस के ऊपर रिलाई करना जब तक वो कॉर्पोरेट ना हो मटीरियल एस्पेक्ट्स में एज टू इम्प्लीकेट द एक्यूज। वाई? क्योंकि एक अकम्प्लिस जो है दैट इज हिमसेल्फ इज अ गिल्टी एसोसिएट और पार्टनर इन क्राइम, दैट्स वाई दिस इज अ रूल ऑफ प्रूडेंस। नेक्स्ट केस इज दैट इज राम बिहारी यादव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कोर्ट ने जो है एक्सप्लेन किया था डिफरेंस रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी के बीच में। कोर्ट ने ये कहा कि जो रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी है, दीज फ्रीक्वेंटली ये जो एक्सप्रेशन है दे आर यू बींग यूज एज सिनोनिमस विद ईच अदर, बट देयर लीगल इम्प्लीकेशन जो है उनके डिफरेंट हैं। बिकॉज जो फैक्ट जो रेलिवेंट है जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हों। अगर हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करें दैट मे सीम टू बी रेलिवेंट, बट ड्यू टू द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज दैट आर नॉट मेड एडमिसिबल अंडर द इंडियन एविडेंस। नेक्स्ट केस इज मगराज पटोदिया वर्सेज आर के बिरला। इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि जो रेलिवेंट एविडेंस है मीन्स रेलिवेंट इवन इफ कि अगर कोई एविडेंस है इफ दैट वॉज ऑब्टेन बाय इम्प्रॉपर अनलॉफुल मीन्स वेदर दैट इज एडमिसिबल। तो कोर्ट ने इसमें यही क्लैरिफाई किया था कि रेलिवेंट एविडेंस का मतलब है रेलिवेंट चाहे वो इम्प्रॉपर या अनलॉफुल मीन से आपने लिया हो। जो टेस्ट अप्लाई करना हो इन कंसीडरिंग वेदर एविडेंस इज एडमिसिबल इज वेदर इट इज रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू। अगर वो रेलिवेंट है मैटर इन इशू से देन दैट इज एडमिसिबल, एंड कोर्ट कंसर्न नहीं है इस चीज से कि वो कैसे ऑब्टेन किया गया था। जी विजयवर्धन राव वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1996 सुप्रीम कोर्ट। ये इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, कोर्ट सेड दैट अगर जो स्टेटमेंट है इफ दैट इज मेड आफ्टर द एक्ट इज ओवर, अगर चाहे वो स्टेटमेंट आपने ऐसी की है कि एक्ट खत्म हो चुका है एंड मेकर के पास जो है टाइम है रिफ्लेक्शन या डेलिब्रेशन का एंड इट इज अ मियर नरेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स देन दैट इज नॉट रेलिवेंट, वो रेलिवेंट नहीं है। द स्टेटमेंट शुड बी इन एक्सक्लेमेशन फोर्स्ड आउट ऑफ ए विटनेस बाय एन इमोशन जनरेटेड बाय एन इवेंट। स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फोर्स्ड होना चाहिए आउट ऑफ ए विटनेस बाय एन इमोशन दैट इज जनरेटेड बाय एन इवेंट। नेक्स्ट इज कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। इसमें कन्फेशन ऑफ को एक्यूज से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन आता है। तो इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, तो कोर्ट हेल्ड दैट कि कन्फेशन जो एक्यूज का है अगेंस्ट अ को एक्यूज इज नॉट एन एविडेंस इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ टर्म। ये नहीं आता, इट डज नॉट कम विद इन द मीनिंग ऑफ एविडेंस दैट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट। क्यों? ना तो ये ओथ पे दिया जाता है, ना ही आप इसको क्रॉस एग्जामिन करते हो, ना ही ये को एक्यूज की प्रेजेंस में दिया जाता है। ये फॉल्स या कंप्यूटर हो सकता है थ्रू मैलिस एज फार एज इट अफेक्ट अदर्स। नेक्स्ट केस इज पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है, दिस केस इज रिलेटेड टू कन्फेशन। इसमें कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया था कि कन्फेशन की जो स्टेटमेंट है आप उसको होल एक्सेप्ट कर सकती है कोर्ट या पार्ट एक्सेप्ट कर सकती है पार्ट रिजेक्ट कर सकती है। तो कोर्ट ने इसमें क्या क्लेरिफाई किया, द कन्फेशन मस्ट ईदर बी एक्सेप्टेड एज ए होल और रिजेक्टेड एज ए होल एंड कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट, कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट कि जो उसको जो है इनकल्पेट करता है वाइल रिजेक्टिंग द एक्सकल्पेटरी पार्ट एज इनक्रेडिबल। मतलब कि जो उसके अगेंस्ट जा रहा है कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो सिर्फ वो पार्ट को एक्सेप्ट करे, जो उसके फेवर में जा रहा है उसको जो है रिजेक्ट कर दे, इनक्रेडिबल कहते हैं। नेक्स्ट केस इज निशिकांत झा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया था कि जो एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ द कन्फेशनल स्टेटमेंट इज नॉट ओनली इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल बट वो अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दूसरे एविडेंस के साथ तो जो कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट को एंड उसको रिजेक्ट कर सकती है बाकी एक्सकल्पेटरी पार्ट को। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट लर्नर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स करेंगे। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो देर इज अ जुडिशी टेस्ट सीरीज फॉर अक्टूबर दैट अनअकैडमी हैज स्टार्टेड। इसमें आप ये कोड यूज करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो दीज आर द टेस्ट दैट आर ऑफर्ड बाय अनअकैडमी दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। प्लस आइकॉनिक अब सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको जो है टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल एग्जाम्स एंड दीज आर द टेस्ट दैट यू विल गेट।
जजमेंट राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिन जुडिशरीज के एग्जाम्स में जजमेंट राइटिंग आती है, ये भी अक्टूबर में आपको ये आप टेस्ट दे के अपनी वैल्यूएशन कर सकते हो आपकी जजमेंट राइटिंग कैसी है। दोनों लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट की जा रही है। अगेन यू कैन यूज़ दिस कोड, यू विल गेट 10% ऑफ। दिस इज़ द टेस्ट सीरीज ऑन केस लॉज, केस लॉज के ऊपर ये टेस्ट सीरीज है। दोनों लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट की जा रही है, टॉपिक्स ये हैं, डेट्स ये हैं। तो यू कैन अगेन यूज़ दिस कोड, यू विल गेट 10% ऑफ। अगर आप ये कोड यूज़ करोगे आपको जो है 10% ऑफ इसके ऊपर मिल जाएगा। देर आर 30 क्वेश्चन, 30 मिनट्स विल बी गिवन। दिस इज़ द मेन्स टेस्ट सीरीज। तो जितने भी आपके मेन्स के टेस्ट आपको मेन्स के लिए वैल्यूएशन करनी है कि आपकी कैसी प्रिपरेशन हो रही है, तो आप ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया आप सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज दे पाओगे। आप जितनी मैंने अभी तक आपको टेस्ट सीरीज बताई है, इनफैक्ट आप ये बैचेस को देख सकते हो। दिस इज अ बैच दैट हैज जस्ट स्टार्टेड, रेगुलर लिंकिंग बैच, अनअकैडमी लाइट, दिस इज डिफरेंट। इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज है, इसकी मेंबरशिप अलग से है 3499 की एक साल के लिए। इसके ऊपर भी कोड अप्लाई करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। So these are different plans learners that Unacademy is providing. By using this code you will get 10% off. Iconic ke different plans hain, is pe bhi aapko jo hai 10% off mil jayega. Thank you so much everyone, do subscribe the channel and press the bell icon for notification.